बिंज वॉच करने वालों के लिए नेटफ्लिक्स किसी वंडर वर्ल्ड से और नई सीरीज किसी सरप्राइज गिफ्ट से कम नहीं होती। जी हाँ, जब कोई नई सीरीज आने वाली होती है तो काफ़ी समय तक लोग इसका इंतजार करते हैं और सीरीज आते ही कई लोग वीकेंड पर या अपनी छुट्टी के एक दिन पहले रात भर जाकर उस सीरीज को देखते हैं और उसका मजा लेते हैं, बिंज वॉच करते हैं। और नेटफ्लिक्स पर लगातार सीरीज पर सीरीज आ रही है और वो भी एक से बढ़कर एक कलाकारों की। अभी हाल ही में एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है जिसका टाइटल है IC 814। जी हाँ, जो कि कांधार हाईजैक पर आधारित स्टोरी है और इस स्टोरी के आने के बाद कुछ जो कैरेक्टर्स इसमें दिए गए उनको जिन एक्टर्स ने निभाया उन एक्टर्स को देखकर लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट रही। और इसमें विजय वर्मा, दिया मिर्ज़ा और उनके साथ नसीरुद्दीन शाह जैसे शानदार एक्टर्स ने काम किया और इस सीरीज़ को लोग सराहें। उससे पहले ये सीरीज़ ट्रोल होने लगी। जी हाँ, अब ट्रोल होने के पीछे का क्या कारण है, क्यों इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा पर है अतिरिक्त दबाव और क्यों नेटफ्लिक्स की बायकॉट, बॉलीवुड की बायकॉट और IC 814 सीरीज़ की बायकॉट की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पर आई हालिया सीरीज़ IC 814 की, जिसमें शानदार चेहरे नज़र आ रहे हैं, वो शानदार चेहरे जो एक्टिंग के दुनिया के हैं, बेताज बादशाह। जी हाँ, और इन एक्टर्स से सुसज्जित इस सीरीज़ में एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में, स्टोरी में तो कोई कमी नज़र नहीं आने वाली, ऐसी पहले से ही पूर्व भावनाएं मन में उमड़ रही थी। लेकिन इस सीरीज़ को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है, इस पर मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। दरअसल आर्टिकल 15 मुल्क जैसे समाज के कुछ गंभीर विषयों को लेकर आने वाले अनुभव सिन्हा जैसे अनुभवी डायरेक्टर की ये डेब्यू OTT प्लेटफॉर्म सीरीज़ है और उनके इस सीरीज़ के आने के बाद से लगातार उन पर ट्रोलिंग हो रही थी और बायकॉट्स के हैशटैग्स सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे थे। उसके पीछे का कारण है, इस सीरीज़ में जब कंधार में प्लेन के हाईजैक की बात आती है तो वहाँ पर जो आतंकवादियों के नाम हैं, दरअसल वो हिंदू नाम होने की बात को लेकर सोशल मीडिया पर इसकी ट्रोलिंग हो रही थी, जबकि असल में वो मुस्लिम आतंकवादी थे। और इस बात को लेकर भी कई तरह का विवाद देखने को मिला। आपको बता दें कि ये सीरीज़ जिसमें कंधार में हुए प्लेन हाईजैक को दिखाया गया है और वहाँ पर हाईजैक कैसे हुआ और कैसे सरकार ने इसका पटाक्षेप किया, ये सभी विषय उसमें दिखाए गए। अनुभव सिन्हा ने OTT पर डेब्यू किया ही था और विवाद ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने इस बारे में कई चीज़ें प्रस्तुत की हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों के नाम बदलकर हिंदू नाम रखे गए हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का उन पर आरोप भी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में झल्लाहट में सफाई देने से और नाकाम कोशिश में उन्होंने ये कहा कि आप पहले सीरीज़ को देखिए, उसके बाद आप कुछ कहिए। हालांकि सीरीज़ में आतंकवादियों के जो नाम वहाँ पर बुलाए गए, चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इसकी जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बयान में ये बताया गया था कि इस हाईजैक को जब अंजाम दिया गया था तो उसके पीछे जो लोग थे, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और हरकतुल अंसार ने मिलकर इस हाईजैक को अंजाम दिया था और इसमें जो इस्तेमाल किए गए आतंकी थे, जो प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे, उनके असल नाम और पते हैं इब्राहिम अथर बहावलपुर, शाहिद अख्तर सैयद, गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री जहूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी और शाकिर जो कि सुखर सिटी का रहने वाला बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पोस्ट में लिखा कि IC 814 के हाईजैकर्स आतंकवादी थे और उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान को छिपाने के लिए कोशिश की और अनुभव सिन्हा ने उनको गैर मुस्लिम नाम देकर अपराध को छिपाने की कोशिश की है। इसका परिणाम क्या होगा, दशकों बाद लोग सोचेंगे कि IC 814 हिंदुओं ने ही हाईजैक किया था। अब इस विवाद में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जवाब देने के लिए तलब किया। जब इस पूरे मामले की हम तहकीकात कर रहे थे उस वक्त एक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन ये मिली कि कंटेंट हेड को अब जवाब देने के लिए तलब किया गया।
और अब जब आप ये नेटफ्लिक्स का शो देखेंगे तो जाहिर है कि इसके डिस्क्लेमर में हाईजैकर्स के कोड नेम के साथ उनके असली नाम भी लिखे जाएंगे। जी हाँ, अब भोला और शंकर, जिसका जिक्र वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम के असल में उनके कोड नाम के तौर पर किया गया है, इसका साल 2000 में गृह मंत्रालय ने एक बयान दिया था और उसी बयान का हवाला देकर इस बारे में डिटेल्स हमने निकाली। और डिस्क्लेमर में आतंकियों के असली नाम और उनके जो कोड नेम है, जिसमें कि डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर, ये जो कोड नेम उस हाईजैकिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए थे, उनके नाम के सामने उनके असली नाम जो हमने आपको बताए, जिसमें इब्राहिम, गुलशन और सनी अहमद काजी जैसे आतंकवादी शामिल रहे। और इस चलते चलते वीडियो में आपको बता दें कि ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इसमें एक से एक किरदार देखने को मिलेंगे और उसे निभाने वाले जो एक्टर्स हैं वो भी दमदार एक्टर्स हैं। दरअसल IC 814 द कंधार हाईजैक में विजय वर्मा, दिया मिर्जा, पंकज कपूर, अरविंद स्वामी और नसरुद्दीन शाह एक्टिंग कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन सभी ने 1999 में हुए हाईजैकिंग के अपने एक्सपीरियंस और उस वक्त जब इन्हें इस बारे में पता चला उसके अनुभव भी साझा किए और इस सीरीज़ को देखने की अपील की है। बहरहाल सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा इस सीरीज़ को लेकर, इस वीडियो को लेकर और इसके साथ जुड़े इस विवाद को लेकर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, मुझे दीजिए इजाज़त।